अभी हम खा रहे हैं पंजाब के पानी पूरी। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, मालिक और बलिकाओ, अभी हम ये होटल में उसी होटल में जहाँ हम कल थे, और हम जो यहाँ से अब निकलेंगे, अभी लगभग बज रही है 11:30 बज रही है, और यहाँ से हम ना वाली है, चाय भाई हमारी हो चुकी है, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं अमृतसर पंजाब। वहाँ पर क्या है सब जानते ही हैं, और बहुत मज़ा आने वाला है। अभी हम निकलेंगे टैक्सी के लिए, भाई लोग गए अभी फ़िलहाल, कोई है नहीं, एक साथ में एक भाई है, और फिलहाल हम उदयपुर से यहाँ पर आए थे अपन। दूसरा टोटल किराया कितना हुआ, क्या खर्चा हुआ हमारा, तो वो हम बात करते हैं अपन। सो हम उदयपुर से कोटा आए थे, उसका किराया 290 रुपये था, और वहाँ से हम अभी से जम्मू आए, तो उसका थोड़े से का जो किराया था 1400 रुपये का किराया था, और वहाँ से वापस हम यहाँ पर आए कटरा। तो कटरा का हमने एक टैक्सी ली, कार ली थी हमने, उसका जो किराया था हम चार जनों का 1500 रुपये था, क्योंकि यहाँ की डायरेक्ट ट्रेन यहाँ पर तक कटरा तक डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी। और वापस हम नीचे से वापस ऊपर चढ़े, तो वहाँ पर हम ऐसे चल के थे, क्योंकि जो टैक्सी होती है उसको आपको बुक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं करेंगे तो वहाँ पर आपको टैक्सी नहीं मिलेगी, जो 5 किलोमीटर चलने के बाद वहाँ से आपको एक टेम्पो मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा। देन हम वहाँ पर दर्शन वर्शन किया हमने, और लोकल वोकल लिया था हमने वहाँ पर, और खाना वाना वाना वगैरह हुआ। उसके बाद हम वहाँ से हम बहुत थक चुके थे, तो उसके बाद हम बेरो चढ़ना था, 2 किलोमीटर ऊपर था वो, बहुत डायरेक्ट चढ़ाई ऊपर की, तो उसके लिए हमने अपने खच्चर लिया था, तो उसका हम एक जने का जो किराया था 1050 रुपये है। हम बेरो चढ़े, वहाँ पर दर्शन किया, और वहाँ से वापस हम नीचे अपने 20 रास्ते में जहाँ पर 5 किलोमीटर बसता है अर्ध कुमारी तक, वहाँ तक आए हम, तो वहाँ तक हमने खच्चर लिए थे। वहाँ पर खर्चे बहुत, पहली बार बैठे थे तो बहुत थक चुके थे, टांगे वांगे दर्द कर दी हमारी, और अभी सुबह हम लगभग 3:30-4 बजे तक हम अभी से नीचे होटल पर आ गए थे, और फिर अब से आपसे बात की थी मैंने, तो अब हम तैयार हो चुके हैं, और यहाँ से हम अब जा रहे हैं वापस अमृतसर के लिए, और भाई लोग जो गए हैं टैक्सी बुक करने के लिए गए हैं, यहाँ से जाएँगे जम्मू, और जम्मू से वापस हम जाएँगे, कहाँ जाएँगे वो आपको पता ही है। तो बातें करते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको वो भी आगे, तो चलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों अब निकल चुके हैं हम वापस अमृतसर पंजाब के लिए। ये हमारा व्यू, रूम का लास्ट व्यू, और हमारा बालकनी का व्यू भी आप देख सकते हैं, ये हमारा बालकनी का व्यू। अब हम चलते हैं वापस, मुझे टैक्सी आ चुकी है, और फुल माता रानी के दर्शन अच्छे हुए हमारे। अब चलते हैं वापस अमृतसर के लिए, और देखते हैं वहाँ का क्या सीन है। फिलहाल पैर बहुत दर्द कर रहे हैं मेरे तो। अब हम निकल चुके हैं बाय बाय होटल श्री हरिनिवास। आप यहाँ पे आइए, इनके मोबाइल नंबर मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, चाहे आप तो डायरेक्ट भी ऑनलाइन बुक करोगे तो बहुत महंगा पड़ता है, 5000 का रूम मिलता है, और डायरेक्ट आओगे आप, डायरेक्ट जो है कि मैनेजर है उनसे कॉन्टेक्ट करोगे तो आपको 2500-3000 तक रूम मिल जाएगा आराम से। तो उनके मोबाइल नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके नंबर डाल दूंगा, तो डायरेक्ट उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल चलते हैं हम टैक्सी की साइड में। सो दोस्तों अब हम निकल चुके हैं वापस जम्मू के लिए, जम्मू तवी जहाँ पर हमारा स्टेशन है हमारे नेक्स्ट लोकेशन के लिए। हमारी जो टैक्सी है वही सेम टैक्सी है, अपने इंडिटीज कार है, पर भैया चेंज है, भैया ये हैं हमारे पाजी नहीं है अभी फिलहाल। इसका जो हमारा किराया लगा है वो 1200 रुपये लगा है वापस चार जनों का, और यहाँ से हम वापस वहाँ पर जाएंगे जम्मू तवी, इसी है, और वहाँ चलेंगे, देखते हैं कैसे क्या रहता सीन वहाँ पर, फिर नाश्ता वास्ता करेंगे, चाय भी चाय पी लिए, पर चाय बहुत महंगी थी, साले होटल वाले ने 50 रुपये की एक चाय दी, तो चाय वहाँ पे जाके मत पीना, ठीक है, ओके। अब चलते हैं वहाँ पे। तो फिलहाल हम इस ढाबे पर रुके हैं चाय नाश्ता करने के लिए, और चाय तो नहीं पियेंगे, कुछ लस्सी वगैरह पियेंगे, देखते हैं क्या है अंदर। बहुत फेमस है ये, पुराने रोड पर है, तो फिलहाल फिर जब आए थे वो उस पर गए थे वो फेमस नहीं था, ऐसे उस जो टैक्सी ड्राइवर था उसका कमीशन था, उसने रोक दिया वहाँ पे, और फिलहाल ये यहाँ पर है हम अभी, और ये हमारी जो टैक्सी है ये कार है इटियोस, इसका जो रेंट है 1200 रुपये आपको मैंने बता ही दिया है। सो ये आ चुका है हमारा नाश्ता और लस्सी, बहुत फेमस पकौड़े हैं पनीर पकौड़े, और ये चटनी यहाँ की जम्मू की फेमस है। सो फिलहाल अभी हम यहाँ शिव शक्ति मार्केट के अंदर है, शिव शक्ति मार्केट जहाँ से हमने चाय पी थी शर्मा टेस्ट के यहाँ पर। फिलहाल भाई लोग खरीद रहे हैं अखरोट, जो यहाँ का फेमस अखरोट वगैरह खरीद रहे हैं, ये मेरे पीछे देख सकते हो आप अखरोट, और
अभी एक घंटा बाकी है हमारे ट्रेन में, तो फिलहाल मार्केट में घूम रहे हैं। बहुत थक चुके हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर भी, लगभग 35 के आसपास टेम्परेचर होगा यहाँ पे। और वहाँ पर ऊपर ठंड लग रही थी, यहाँ पर गर्मी लग रही है। तो दोस्तों अभी हम हैं जम्मू तवी स्टेशन के, यहाँ पर 2:20 का हमारी ट्रेन है यहाँ से अमृतसर के लिए। हमने फिलहाल लिया है स्लीपर लिया है, और यहाँ से हम जाएंगे, वहाँ पर पहुँचेंगे हम लगभग 6:30 या 6 बजे तक वहाँ से पहुँचेंगे। और बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर, पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है, और टिकट भी हमने तत्काल में लिया है। सो चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं वहाँ का सीन है। फिलहाल अभी हमें जम्मू तवी स्टेशन के यहाँ पर, ये है जम्मू तवी स्टेशन। पंजाब में शाम की बज रही है 7:15 और साथ में है तीनों भाई लोग। और अभी हम स्टेशन के बेस्ट बार हैं, और अब जा रहे हैं होटल ढूंढने के लिए। होटल ढूंढेंगे, थोड़ा आराम करेंगे, देन हम फिर कहाँ जाएंगे? गोल्डन टेम्पल। अभी हम हैं अमृत सरोवर, नाम तो सुना हो, जानते हो अमृत सरोवर, यही है पीछे, दिस इज अमृत सरोवर। तो ये आ चुका है हमारा रिक्शा टेम्पो, साथ में है भैया पाजी डॉट, और अब हम निकल रहे हैं टेम्पो के अंदर। चलो उधर को, उधर को, मैं इधर आ जाता हूँ। तो अभी हम बैठेंगे इधर इस साइड में। तो अभी हम फिलहाल होटल ढूंढ रहे हैं, अच्छे मिल जाए, ऑनलाइन तो थोड़ी महंगी महंगी मिलती है, तो ढूंढे शानदार ही मिल जाए। तो फिलहाल सर्चिंग जारी है, मिलते हैं आपसे, हम बात कर लेंगे। तो बल्लिका आ चुके हैं अभी होटल के रूम के अंदर। होटल का नाम है द अमृतसर इंटरनेशनल नाम है इसका। अपने जो गोल्डन टेम्पल है उसके जस्ट 500 मीटर के आसपास ही है, तो आप ढूंढ सकते हैं अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये है अपना होटल के रूम्स, 2 रूम लिए हमने, और इधर बाथरूम, इधर ए सी वेसी, और इधर एक और रूम मेरा, ये रूम में एक और दोनों अटैच है, और ये मैं आपका भाई। और इसका जो किराया है 25 रुपये है हमारा 4 जनों का 1 नाइट। और अभी सब मूव होते हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं 5 मिनट का, फिर चलते हैं चेंज वेंज करके द गोल्डन टेम्पल, जो आप सब जानते ही हैं 1576 में बनाया गया था, और लगभग 700 किलो इसके ऊपर सोना चढ़ा गया है, आप जानते ही हैं, और नहीं जानते तो भी जान लो। और अभी हम आराम करने की ज़रूरत, अभी तो फिलहाल फिर बाकी बिल्कुल हो जाएगा। अभी आए हैं अभी अपन अमृतसर के अंदर, तो दोस्तों हम निकल चुके हैं चारों रेडी होकर अमृतसर गोल्डन टेम्पल के लिए। टेम्पल के अंदर अपना लगे बन, कोई बोला नहीं है, मैं नया हूँ, ये नहीं है, ठीक है।